सभी विशेषकर मेरी बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। और मेरा यही कहना है कि इस समय कोरोना के कारण सभी शालाएँ बंद है और बच्चों को हमने उनके खाते में पैसा भी भिजवा दिया और घर पे खाद्यान्न भी भिजवा दिया, क्योंकि इस समय पका हुआ भोजन दे नहीं सकते। इसलिए हमारी बहनों ने जो रसोई का काम करती थी, भोजन पकाती थी, उनको भोजन पकाना नहीं पड़ा। लेकिन संकट के समय जरूरी था कि हमारी रसोईया बहनों के खाते में हम पैसा डालें, क्योंकि ये कष्ट का समय है। पिछले महीने भी मैंने उनके खाते में पैसा डाला था, 2000 रुपये, और इस महीने भी अब मैं अप्रैल महीने का 42 करोड़ रुपया, 2000 रुपया प्रति रसोईया के मान से के हिसाब से अपने रसोई बनाने वाली रसोईया बहनों के खाते में ये धनराशि हम डाल रहे हैं। अभी सिंगल क्लिक करके मैंने आपके खाते में पैसा भिजवा दिया है, 2000 रुपया हमारे सभी रसोईया बहनों और भाइयों के, जिनकी संख्या भी 201,000 है, तो 201,000 रसोईया बहनों के खाते में 42 करोड़ रुपया हमने डाला है, ताकि संकट के समय आपको परेशानी ना हो और घर का खर्च चल सके। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से कोरोना का संकट समाप्त हो, फिर से स्कूल बच्चों की किलकारियों से गूंजे और उनको मध्याह्न भोजन हम दें। जो भोजन मेरी रसोईया बहनें बनाएंगी, आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि अपने अपने गांव में रहते हुए, स्कूल में रहते हुए, जहाँ भी आप गांव शहर में रहते हैं, सबको जागरूक करने का काम जरूर करें। कोरोना से बचना है तो तरीका यही है, 2 गज की दूरी आपस में रखें, मास्क लगा के रखें। बिना मास्क के ये बीमारी ऐसी है जो काबू में नहीं आती, तो मास्क लगा के रखें। और उसके साथ साथ कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो, इसकी चिंता करें। हम जागरूक रहेंगे तो कोरोना को हरा देंगे, परास्त कर देंगे। ये कोरोना मिलने से, हाथ मिलाने से, पास में अगर खड़े हैं और मास्क नहीं लगा तो किसी ने थूक दिया, किसी ने खांस दिया, किसी ने छींक दिया, उसी से ये वायरस फैलता है। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी बहनों ने मास्क लगा के रखे हैं। गाँव में भी लोगों को जागरूक कीजिए। अब अपने अपने गांव में कई मजदूर भाई बहन भी आ रहे हैं लौट के, अलग अलग बाहर के प्रदेशों से, उनको भी लाने का काम कर रहे हैं, तो उनको भी समझाएं। 14 दिन उनको घर में ही क्वारंटाइन करेंगे, मतलब अकेले में रखेंगे, और उनको भी जो 2 गज की दूरी और बाकी चीज़, मास्क इत्यादि चीज़ें बता कर रखें। बार बार हाथ धोने हैं, साबुन से धोएं, सैनिटाइजर से धोएं, तो अपनी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। अपनी सब बहनों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बात 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 करने की जरूरत है, तो सभी बहनों को धन्यवाद। और जो बहनें नहीं आई, क्यों पीस अपने जो रसोई हैं Thank you.
मध्य प्रदेश जो है उसने जो बच्चों को खाद्यान्न वितरण का है सर वो डोर स्टेप डिलीवरी से 56,87,000 बच्चों की करवाई है सर, और मध्य प्रदेश के मॉडल को उन्होंने अनाज दिया इस बार हम लोग, और सर उनकी डोर स्टेप डिलीवरी करवाई, तो अब जो है उसके राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हुई सर। तो अभी यूपी के जो है चीफ मिनिस्टर उन्होंने घोषित किया है कि वो करीब 10,00,000 लेबर लगा के डोर स्टेप डिलीवरी करवाई। पिछले समय तो हमने खाते में पैसे डाले थे बच्चों, जो सामने मेरे बैठे हैं उनके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि सबसे बात हो नहीं सकती इस समय। आवाज आ रही मेरी?